नमस्कार, मैं वरुणा लेकर हाजिर हूं विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम आपको विकास के विभिन्न पहलुओं से रूबरू करवाते हैं। पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर, ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के लगभग 1,73,000 पेंशन भोगियों को 1 फरवरी 2022 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से 1,30,000 पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित होगी। मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के मध्य सेवानिवृत्त हुए लगभग 43,000 कर्मचारियों को संशोधित पेंशन व ग्रेच्युटी देने का भी फैसला लिया। अब 1 जनवरी 2016 से न्यूनतम पेंशन पारिवारिक पेंशन 3,500 रुपए प्रतिमाह से बढ़कर 9,000 रुपए प्रतिमाह हो जाएगी। मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2016 से ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने को स्वीकृति प्रदान की, जो एनपीएस कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी। राज्य के 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर देय अतिरिक्त पेंशन लाभ प्रदान किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने प्रदेश सरकार के एनपीएस कर्मचारियों को इनवैलिड पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिस पर 250 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंडी में नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी हिमाचल प्रदेश अधिनियम 2022 को 1 अप्रैल 2022 से अधिसूचित करने का निर्णय लिया। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने ऊना जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने कुटलेहड और हरोली विधानसभा क्षेत्रों के लिए लगभग 67 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने समूर कला में 16 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से निर्मित कला केंद्र ऊना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊना जिला पिछले 4 वर्षों में चहुंमुखी विकास का गवाह बना है। उन्होंने कहा, बहुत सारी चीजों के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम कुछ हुए। 67 करोड़ के विभिन्न शिलान्यास और उद्घाटन आपके इस क्षेत्र में आज हो रहे हैं। ऊना जिला हर दृष्टि से विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए हर क्षेत्र में तरक्की करते हुए एक अलग पहचान के साथ खड़ा है। मैं सिर्फ ऊना जिले की अगर बात कहूँ, 1600 करोड़ से ज्यादा के बहुत सारे विकास कार्य हर विधानसभा क्षेत्र में एक जिले में। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। बहुत बड़े संकट के दौर में सब लोग गुजरे, आप भी और हम भी, लेकिन हर कदम पर आप सबका सहयोग मिला, समर्थन मिला, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका धन्यवाद। कला के क्षेत्र में अभी हाल ही में लता मंगेशकर जी का दुखद निधन हुआ। मैं आज घोषणा करता हूँ इस कला केंद्र का नाम लता मंगेशकर जी के नाम पर रखेंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों जिला सिरमौर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ क्षेत्र के विभिन्न विकासात्मक कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707 के पौंटा साहिब गुम्मा फेडिज अनुभाग के निर्माण कार्य को गति प्रदान करने के लिए निर्देश दिए, ताकि इसे जल्द से जल्द राज्य के लोगों को समर्पित किया जा सके। बैठक में अवगत करवाया गया कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707 का निर्माण कार्य 4 पैकेज में विभाजित किया गया है, और पैकेज 4 के अंतर्गत श्री क्यारी से गुम्मा भाग का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। गत दिनों शिमला में भारतीय मजदूर संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कामगारों और श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में करुणा मूलक आधार पर रोजगार के मामलों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में शायद ऐसा राज्य है जहां पॉपुलेशन के आधार पर अगर हम देखें तो कर्मचारियों की संख्या पूरे देश भर में सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश, और स्वाभाविक रूप से कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी भूमिका भी है प्रदेश के विकास में, प्रदेश के काम में। और मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि कोविड के इस गंभीर संकट के दौरान भी आप सब लोगों ने जहाँ भी जिस रूप में आप काम कर रहे थे,
बहुत बड़ा आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, बहुत बड़ा सहयोग दिया है। शिमला से गद्दीनों चौपाल क्षेत्र के कुपवी खंड के लिए पंजाब नेशनल बैंक द्वारा भेंट की गई एम्बुलेंस को मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यह एम्बुलेंस बैंक द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व के तहत दूर दराज के क्षेत्र के निवासियों के कल्याण के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला के माध्यम से भेंट की गई। मुख्यमंत्री ने बैंक प्रबंधन के इस परोपकारी कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इस एम्बुलेंस से कुपवी क्षेत्र के 16,000 से अधिक निवासी लाभान्वित होंगे। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यापारियों की सुविधा के लिए राज्य में वस्तुओं पर बाजार शुल्क को युक्तिसंगत बनाने के लिए सचिव कृषि की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार व्यापारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी सुचारू व्यवसाय के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार और व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला और तहसील स्तर पर जीएसटी सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।